दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर यानी कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन में आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो यहां पर जो है एग्ज़ाम टाइम टेबल आया हुआ है, तो कौन कौन से क्लासेस की लगेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन किस मोड पर लगेगी, ये सब आपको डिटेल में बताऊँगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एकदम इम्पोर्टेंट नोटिस आपको दिया गया है, समझाकर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो क्या हुआ है, इस बिलासपुर यूनिवर्सिटी के यूटीडी यानी कि यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा, यूजी पीजी और डिप्लोमा के संबंधित सेमेस्टर, जितने भी उसके सेमेस्टर है, उसकी परीक्षा के लिए दिसंबर 2021 में शामिल होने के लिए जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म भरा था, उनका यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में ये जो है एग्जाम होने वाली है, उसका टाइम टेबल मैं आगे बताऊंगा। तो ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में होगा, लेकिन पिछले बार के ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड से ये अलग मोड है। तो इसमें क्या चीज़ अलग है ये मैं आपको आगे समझा के बताऊंगा। तो सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट के यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे वो देख लेते हैं। तो एम कॉम के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, बीएससी कंप्यूटर साइंस का थर्ड सेमेस्टर अंडर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, और एमएससी कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर जो 5 साल का कोर्स है उसमें का एमएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, 2 साल का ये पीजी कोर्स है। एमएससी फूड प्रोसेसिंग एंड टेक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस फर्स्ट सेमेस्टर, पीजी डिप्लोमा इन सीबी फर्स्ट सेमेस्टर, और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, बीएससी हॉनर्स कंप्यूटर साइंस फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, बीएससी हॉनर्स फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, बीकॉम हॉनर्स फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट अंडर 4 ईयर डिग्री कोर्स है ये, उसके फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, बीएससी हॉनर्स माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, एमबीए टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट फर्स्ट सेमेस्टर। तो इतने सारे ये टाइम टेबल आए, इनका एग्ज़ाम अभी होना है, बहुत जल्दी ही इसका डेट आ चुका है, मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले यहाँ पर देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो गूगल मीट पर ऑनलाइन होगा, और इसमें यह होगा कि आप जैसे आंसर लिखेंगे वो आंसर शीट को आपको 30 मिनट के अंदर अपलोड करना होगा। तो ऑनलाइन तो है लेकिन आपके पास समय नहीं दिया गया, जैसे कि पहले ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता था, 2 दिन बाद 24 घंटे में हफ्ते भर में आपको ऐसा जमा करने का टाइमिंग दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर आपके पास आंसर शीट का बाकायदा PDF फाइल बनाकर अपलोड करने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिया जाएगा, और गूगल मीट के थ्रू ये एग्ज़ाम होगा। तो 24 तारीख से यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप जाकर वहाँ पे जब ओपन करेंगे साइट, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है वहाँ पर आप जा कॉन्टेक्ट करके कोई समस्या हो तो उनसे भी टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर जो डेट है उसमें आ जाएगी, और यहाँ पर जो है उसको आप जो टाइम टेबल रहेगा उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर A4 साइज का पेपर का स्टेपल किया आंसर शीट आप लोग उपयोग कर सकते हैं, और इसका जो मेन पेज रहता है वो डाउनलोड आंसर शीट पर आप जाकर डाउनलोड कर लेंगे इसका फ्रंट पेज, और यहाँ पर टाइप या फोटो कॉपी चलती नहीं है, आपको पहले से पता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ऑनलाइन है लेकिन 30 मिनट के अंदर बाकायदा आपको PDF फाइल बनाकर उसको अपलोड भी करना है। तो चलिए टाइम टेबल देख लेते हैं फटाफट, तो कब से स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम। तो देखिए UTD डिपार्टमेंट यानी कि यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में पहला MCOM है, फर्स्ट सेमेस्टर का दिसंबर का ये एग्ज़ाम है, तो डेट जो है 28 मतलब परसों से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, 28 फरवरी सोमवार से, और टाइमिंग रहेगा 8 बजे से 11 बजे सुबह का।
ठीक है, 3 घंटे पेपर होगा और 11:30 बजे आपको अपलोड कर देना है आंसर शीट। और तो ये एमकॉम का 28 से शुरू होकर 10 मार्च तक चलने वाला है, बीच बीच में छुट्टियां हैं। तो इस प्रकार से मैं इसका पीडीएफ आप लोग देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा पीडीएफ का। उसके बाद एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 11 मार्च तक चलने वाला, टाइमिंग है 8 बजे से 11 बजे, ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड पर गूगल मीट के थ्रू होगा। ठीक है, गूगल मीट का लिंक आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा या फिर आपके जो ईमेल आईडी उस पर ये आ जाएगा आपको, गूगल मीट का लिंक। ठीक है, उसके बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस का है, 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 8 मार्च तक चलने वाला है एमएससी कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर का। एमएससी कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर का 2 मार्च से 9 मार्च तक है और बीएचएम यानी कि बैचलर इन होटल मैनेजमेंट का यहाँ पर जो है 28 फरवरी से स्टार्ट होकर 3 मार्च तक चलने वाला है। और देखते हैं यहाँ पर, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का था और बीएचएम का ही जो थर्ड सेमेस्टर है वो 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर 28 यहाँ पर फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और जो है थर्ड सेमेस्टर जो है 2 मार्च से यहाँ पर पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये टाइम टेबल देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप जाके पूरा टाइम टेबल डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो ये एक बात है कि फर्स्ट सेमेस्टर 28 से स्टार्ट हो रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर जो है यहाँ पर 2 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। पूरा टाइम टेबल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये जो है रेगुलर वालों के लिए है। और आगे यहाँ पर देखते हैं, सारे सब्जेक्ट मैंने शुरू में जो आपको बताए थे उसका ही टाइम टेबल है। और जो फिफ्थ सेमेस्टर का भी है 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है बीकॉम का, तो बीकॉम का फिफ्थ सेमेस्टर 3 मार्च से और सेकंड सेमेस्टर तो 2 मार्च से होगा और फर्स्ट सेमेस्टर 28 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। टाइमिंग है यहाँ पर, टाइमिंग थोड़े चेंज हो रहे हैं, बीकॉम के लिए 1 बजे से 4 बजे का रखा गया है और बहुत सा। तो ये पूरा टाइम टेबल टेंशन मत ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो ये 5 तारीख तक 10 तारीख तक मार्च में ये खत्म हो जाएंगे, 28 से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 टाइमिंग रखे गए हैं 8 बजे से 11 बजे और कुछ कुछ पेपर के लिए यहाँ पर 1 बजे से 4 बजे तक का पेपर रखा गया है। तो आपको उसी टाइम में लिखना है और पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड भी करना है। तो यही था नोटिफिकेशन बिलासपुर यूनिवर्सिटी से, टाइम टेबल आ चुका है आपका फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का ये है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।